कोई फैन थी? बहुत बड़ी फैन हूँ। और एक हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है, आप आओगे? और क्या बजट है आपका? मैंने बोला 1.5 लाख। नहीं 2 लाख बोले। 2 लाख? वो इतना तो कमेटी के पास पता नहीं होगा, पर मैं आपके लिए लोन ले लूंगी। द हिमाचली पॉडकास्ट। मैंने सुना लड़कियां आपको स्टॉक करती हुई आ जाती हैं आजकल शोज में। आ जाते पीछे पीछे। बड़ा मुश्किल हो रखा छूटना। कैसे भाई, क्या क्या क्रेज है अजय भाई आपका? क्या क्रेज चल रहा है? क्या चस्का लगा दिया आप लोगों को? नाटिका लगाया था भाई जी। कोई क्रेजी फैन मिला? बहुत क्रेजी, इतना क्रेजी कि मेरे को वहां से चुपके से भागना पड़ जा रहा है। परसों भी आई थी कॉल। क्या बोलो भाई जी आपका शो करवाना है, मैं लोन ले लूंगी। क्या 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 ऐसे बोल रही थी? कोई फैन थी? बहुत बड़ी फैन हूँ। और एक हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है, आप आओगे? और क्या बजट है आपका? मैंने बोला 1.5 लाख। नहीं 2.5 लाख बोले। 2 लाख? वो इतना तो कमेटी के पास पता नहीं होगा, पर मैं आपके लिए लोन ले लूंगी। क्या लोन? फैन बोल रही है कि आप शो कराने के लिए लोन ले लूंगी। अरे भाई जी बिल्कुल, ये तो भाई दिल से आवाज आई थी उसकी। मैंने बोला भाई लोन लेने दे, उससे बढ़िया तू बस ऐसा कर्जे में मत डूब, मैं ऐसे ही करूंगा फ्री में, लोन लेने की जरूरत नहीं। बाप रे, सच में हुआ था कि मजाक? हाँ, साथ में थे गाड़ी में। हकीकत बात है गाड़ी में। और कोई क्रेजी फैन मिला हो कभी किसी लाइव शो में? क्रेजी फैन तो बहुत सारे मिले हैं। कोई क्रेजी महिला फैन भी मिली? महिला पुलिस तो मिली नहीं। मत जाओ उधर। अजय के पिताजी अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो पूछिएगा इनसे आज शुल्नी मेले में क्या हुआ है इनके साथ। क्या हुआ है भाई? कॉल तो आई थी कल। कॉल भी आई थी, कोई इनका पीछा भी कर रहा था जैसा सुनने में आया है हमें। उस चक्कर में मैंने गाड़ी भी ठोक दी थी यार। हैं? हाँ। अच्छा, और जल्दी भागो। द हिमाचली पॉडकास्ट।